दोस्तों, अगर आपने बहुत खा ली है खीर, तो आइए चलिए बनाते हैं पनीर, वो भी हमारे तरीके से। और इसे खाइए, स्वाद से भरपूर और बहुत ही डिलीशियस और उमदा बनेंगी। तो हमने करना क्या है, कढ़ाई में तेल लेना है, उसे गर्म होने तक रख लेना है। गर्म होने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पनीर को इसमें फ्राई करने के लिए रख दिया है। पनीर को तब तक फ्राई करना है जब तक वो इस कलर में ना आ जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एकदम रेडिश ब्राउनिश कलर का। इससे क्या होता है, हमारे मटर पनीर के जो स्वाद होते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हाँ जी, हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, वो भी बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनेगी। और जब हम इसको फ्राई कर लेंगे, तब ये पनीर हमने ठंडे पानी में, जो नॉर्मल पानी होता है टैप का, उसी पानी में, आपने साफ़ पानी में अपने पनीर को सीधा पानी में डाल देंगे, ताकि ये कुछ देर के बाद नरम हो जाए। इसी तरह हम दूसरा बैच भी तैयार करेंगे अपने पनीर का। इसी तरह से हम सारे पनीर को इसी तरह से फ्राई करके पानी में डाल के उसे 5 मिनट के लिए रख देंगे साइड में, और उसके बाद उसके सारे पानी निचोड़ कर बाहर रख गिरा देंगे, बाकी जो पानी जो आपके बाउल में जो पड़े होंगे। फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं कैसे बनेगा। जब तक हमारे पनीर फ्राई हो रहे हैं, हमने वही प्रोसेस करना है, पानी में डालना है और साइड में रख के फिर उस पानी को गिरा देना है। पनीर को किसी थाली या प्लेट में रख लेंगे अलग से। अब दोस्तों, जो हमारी बाकी बचे हुए तेल था, उसे हमने फेंकना नहीं है, ना कहीं साइड में रखना है। उसी तेल में हमने जीरा डालना है 1 चम्मच के बराबर। उसके बाद उसको तड़कने तक, फ्राई होने तक हमने अदर मसाला डालना है, लाइक जैसे कि 1 तेज़पत्ता और लौंग, इलायची, जितने भी गरम मसाले हैं वो डालेंगे, और दालचीनी, ये मसाले 3-4 खड़े मसाले डाल देंगे। उसके बाद हमने ऐड करना है इसमें अपना अदरक और लहसुन को जो पीस के रखा है हमने, वो भी ऐड करेंगे। लेकिन पहले हरी मिर्च ऐड करेंगे स्लिट करके, जैसा कि मैंने किया है वैसा ही सेम आपने भी स्लिट करके हरी मिर्च ऐड करना है। इससे मिर्च में सीधा डालने से मटर पनीर का स्वाद और भी टेस्टी बनता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने अभी डाला है, और फिर उसके बाद इसको सौते करेंगे, सौते ब्राउनिश होने तक करेंगे, या फिर आपको जब खुशबू आने लगे तो समझ लो हमारे अदरक लहसुन अच्छे से भुन गए हैं। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना दूसरा पेस्ट। ये जो पेस्ट है, इसमें हरी मिर्च, काली मिर्च और इसमें जीरा और दालचीनी और 1-2 लौंग की डाली हुई है मैंने, इन सबको पीस के ये हमारा सेकंड जो हमने डाला है पेस्ट वो डालेंगे। देन इसको भी सौते कर लेंगे 1 मिनट से 2 मिनट तक के। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी कढ़ाई स्टील की है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिपकता है दोस्तों, इसलिए साइड साइड से देखते रहिएगा अगर आप भी स्टील के बर्तन में बना रहे हैं तो। देन हमने अपना प्याज डाल लेना है, जो मैंने 4 प्याज लिए थे, अपने जितने लोगों के लिए बनाना है उस हिसाब से प्याज लेंगे। मैंने 4 प्याज एकदम छोटे बारीक बारीक काट के डाल दिए हैं, जिसके घर में अगर कोई मशीन या फिर वो नहीं है, वो इतना बारीक काट के डालेगा तभी मटर पनीर का स्वाद बहुत ही टेस्टी आएगा। बड़े बड़े बिल्कुल नहीं काटना, और इस प्याज को भी ब्राउनिश होने तक भुनना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे प्याज काफ़ी हद तक ब्राउनिश हो चुके हैं, और ये रहा पानी जो मैंने डाल के रखा था, इसको मैं पानी गिरा दे रही हूँ, और पनीर को किसी अलग से प्लेट या थाली में रखना है साइड रखकर। उसके बाद फिर हम आएंगे अपने प्रिपरेशन की तरफ।
प्याज हमारे गल चुके हैं काफ़ी हद तक। जैसा कि आप देख रहे हैं इतना ब्राउनिश हो गया हमारा प्याज। अब इस स्टेज पे हमने चार जितना हमने चार प्याज लिए थे चार टमाटर लेके इतने ही बारीक काट के हमने इसी टाइम जब ब्राउनिश हो जाए प्याज तब हमने टमाटर को मिला लेना है। और टमाटर को भी इसी तरह सौते करने के बाद सौते करते हुए चलाना है। तब तक सौते करना है जब तक हमारा टमाटर भी अच्छे से गल ना जाए। इसको स्मैश करते रहेंगे इसमें ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमने अपने सूखे मसाले डालने, जैसे कि नमक एक चम्मच, लाल मिर्च एक चम्मच, उसके बाद हल्दी पाउडर भी एक चम्मच डालेंगे। और मैंने चार चम्मच डाला क्योंकि हमें हल्दी बहुत पसंद है खाने में और अच्छी भी रहती है। देन हमने धनिया डालना है इसमें एक चम्मच, ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैंने डाला है खटास बढ़ाने के लिए। हमें मटर पनीर में थोड़ी सी खटास अच्छी लगती है, टमाटर में अपना ही खटास होता है लेकिन आमचूर को डालने से थोड़ी सी खटास अलग आती है सब्ज़ी में और टेस्ट भी इसका बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। देन इन सारे मसालों को अच्छे से सौते कर लेना है। और तब तक सौते करना है तब तक मसाले सारे इंग्रेडिएंट्स में मिक्स ना हो जाए। देन हमने इसमें ऐड करना है जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भी हमने इसमें डाल देना है एक चम्मच के बराबर। और इसे सौते कर लेना है दोस्तों। हमने इसे ढक के रख देना है 5 से 10 मिनट तक के, उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करके देखा हमारे मटर काफ़ी हद तक पक चुके हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। अब इस स्टेज में हमने डालना है अपने पनीर जो हमने पानी में डाले थे, उसके बाद पानी से निकाल के किस प्लेट में रखे थे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है हमारा मटर पनीर और कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब इस स्टेज में हमने पनीर डाल दिया, इसको भी हम पनीर को सारे पनीर को डाल के अच्छे से सौते कर लेंगे मटर पनीर के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सब सौते करने के बाद मैंने इसमें कस्तूरी मेथी मिलाई है, उस हाथों से क्रश करके मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मिलाई है। उसके बाद हमने इसको कुछ देर के लिए ढक के रखना है पानी डालने के बाद। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे एक गिलास या अपने जूस के हिसाब से आप डालिएगा दोस्तों। तो इस स्टेज पे मैंने पानी डाल दिया है और मेरे 5 मिनट के बाद मेरे मटर पनीर के उबाल आ गया है। मतलब हमें तब तक उबालना है जिसको थोड़ा सा पानी ये सूख जाए, उसके बाद हमारे मटर पनीर बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, खुद भी बनाइए, सबको खिलाइए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज़ एक नई रेसिपी लेके आऊँगी और ख़ुद भी आप बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खाते पीते मस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों।